हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा चल रहा है डेप्रिसिएशन। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन कर लिया है, दूसरा RVM यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का भी क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, यानी जब डेप्रिसिएशन का मेथड पहले अगर SLM चल रहा हो और एक दो साल के बाद अगर मेथड चेंज हो जाए, RVM अगर हो जाए और रेट ऑफ परसेंटेज भी अगर चेंज हो जाए, यानी पहले अगर 10% से था तो अभी 12-15% अगर हो जाए, ऐसा कुछ अगर हो जाए तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेट कैसे करना है, पहले अगर कोई मशीन या एसेट्स हम लोगों ने खरीदा था उसको अगर हम लोग अभी सेल कर रहे हैं, इन सारा कैलकुलेशन हम लोग कैसे करने वाले हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, एक क्वेश्चन के बेसिस पर, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सारा कुछ समझेंगे, नया बहुत कुछ नहीं है। देखिए, अ फर्म परचेज ऑन 1 जनवरी 2008 अ मशीनरी फॉर ₹1 लाख, 1 लाख का मशीन 1 जनवरी 2008 को खरीदा गया है। इस पर 2000 का तुरंत खर्च कर दिया गया है। इरिक्शन, इरिक्शन का मतलब होता है निर्माण, उसमें कुछ अटैचमेंट वगैरह आप लगवा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट इंस्टॉलेशन में अगर खर्च हुआ, इन सबको बोलते हैं इरिक्शन। तो मशीन का वैल्यू जो है 1 लाख + 2000, यानी मशीन का वैल्यू हो गया 1 लाख 2000 का, एक पहला मशीन खरीद लिया गया है। दूसरा मशीन 1 जुलाई सेम ईयर को, 1 जुलाई को खरीदा गया है। एडिशनल मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 का दूसरा मशीन खरीदा गया है। 1 जनवरी 2010 को द मशीनरी विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी 2008, 2008 जनवरी 1 को जो मशीन खरीदा गया था, यानी ये वाला मशीन का बात हो रहा है, 1 लाख 2000 वाला का, उसको हैविंग बिकम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, बिल्कुल काम लायक नहीं रह जाना, तो उसको हम लोगों ने ऑक्शन यानी नीलाम कर दिया, बोली लगाया, नीलाम कर दिया भाई साहब, 40,000 में उसको हम लोगों ने बेच दिया। तो 40,000 में बेचा 1 लाख 2000 का मशीन, करीब करीब 2-2.5 साल यूज़ करके, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आगे कैलकुलेट करेंगे। एंड द सेम डेट एक फ्रेश मशीन वॉज परचेज्ड, उस दिन एक नया मशीन भी खरीद लिया गया है 25,000 में। हम लोग को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है एनुअली 31 दिसंबर को। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 31 दिसंबर को एवरी ईयर, और परसेंटेज होगा 10%। मेथड लगाना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट यानी SLM, है ना, हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज लगाना है कॉस्ट मेथड पर। इन 2010 हाउएवर दिस मेथड वॉज चेंज्ड, और 2010 में ये मेथड चेंज हो गया। 2010 में अगर कब हुआ बोला नहीं है, इसका मतलब 1 जनवरी को ही आप मान लेंगे 2010 को, यानी जिस दिन साल शुरू होगा मेथड आपका चेंज हो गया, और मेथड चेंज होकर हो गया रिटर्न ऑफ 15% रिटर्न डाउन वैल्यू वॉज अडॉप्टेड। तो एक तो पहले 10% चार्ज हो रहा था SLM, अब होगा 15%, और वो भी अब होगा आपका RDV, RDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, वही है RVM यानी डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। गिव द मशीनरी अकाउंट, हम लोग को मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए, 2008 से लेकर 2010 तक के लिए। चलिए फटाफट से हम लोग आइए, एक चार्ट बना करके आप पहले डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिना चार्ट का भी आप कर सकते हैं। तो M1 पहला मशीन खरीदा गया है 1 लाख 2 हज़ार रुपया में, कब खरीदा गया है तो 1 जनवरी 2008 को खरीदा गया है, और इसी मशीन को सेल हम लोग लिख लेते हैं ना, तो सेल छूट जाता है, ये परचेज किया गया था, और सोल्ड मशीन को सेल कब कितना में किया गया है जी, सेल किया गया है 40,000 रुपये में, कब किया गया है 1 जनवरी 2010 में, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं, M2 दूसरा मशीन, M2 दूसरा मशीन खरीदा गया है 50,000 रुपये में 1 जुलाई को, 50,000 रुपये में दूसरा मशीन खरीदा गया है 1 जुलाई 2008 सेम ईयर 2008 में ही। तीसरा मशीन M3 तीसरा मशीन 25,000 रुपया में खरीदा गया है, और ये 1 जनवरी 2010 में खरीदा गया है। चलो, तो सारा डिटेल हम लोगों ने यहाँ डाल लिया है, डेप्रिसिएशन का मेथड भी हम लोगों ने देखो जी, ईयर हमारा हो जाएगा 2008 2009 2010, इस 3 साल का हम लोगों को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। 2008 में लगाना है 10% SLM,
9 में लगाना है 10% SLM और 10 में लगाना है 15% आर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड RBM लगाना है ना। चलो अब फटाफट से पहले डेप्रिसिएशन अपन कैलकुलेट कर ले। 1 लाख प्लस 2000 यानी 1,02,000 का मशीन खरीदा गया है और खरीदा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कब खरीदा गया है तो 1 जनवरी को ही खरीद लिया गया है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 10,200। दूसरे साल फिर से इस ओरिजिनल मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस मेथड है तो 1,02,000 पर ही 10% हम लोग फिर से डिप्रेशन चार्ज कर लेंगे, हो जाएगा 10,200। ठीक है। तीसरे साल जो है ये 1 जनवरी को ही मशीन सेल कर दिया गया है, आप देख रहे हैं 1 जनवरी को ही सेल कर दिया 2010 में, तो इस साल तो इस पर डिप्रेशन चार्ज होने का सवाल ही नहीं है, लेकिन कुछ वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग क्या है देखिए, कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 1,02,000, लेस करेंगे इस पर टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,200 प्लस दूसरे साल 10,200 यानी ये हो गया आपका 20,400। 20,400 हम लोग लेस कर देंगे इतना डेप्रिसिएशन निकालने के बाद, इस मशीन का आपका वैल्यू बचेगा कितना 81,600 रुपये मशीन का वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, प्रेजेंट वैल्यू मशीन का है 81,600। लेस कर देंगे इसमें सेलिंग प्राइस, 40,000 में इस मशीन को बेचा गया है तो 41,600 का हम लोग को हो गया लॉस, है ना, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल आपका हो गया है 41,600। इस लॉस को हम लोग आगे शो करेंगे। चलो जी, अब बात पहला मशीन का काम हम लोग निपटा लिया, अब बाकी बचे दो मशीन का काम करते हैं अपन। आइए, तो ये मशीन 50,000 का है, इस पर हम लोग 10% का डिप्रेशन चार्ज करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये मशीन हम लोगों ने बाई कब किया है, मशीन बाय किया है हम लोगों ने 1 जुलाई को, तो कितने महीने का डिप्रेशन चार्ज करेंगे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना 6/12 और डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 2,500। दूसरे साल इस मशीन पर अभी तो SLM ही चल रहा है दूसरे साल और 10% डिप्रेशन चार्ज करेंगे, पूरा साल भर ये मशीन यूज़ हुआ है तो 5,000 का डिप्रिसिएशन। लेकिन तीसरे साल देखिए, थर्ड ईयर 15% चार्ज करना है पहला चेंज, और दूसरा RVM लगाना है, RVM यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बोले तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, देखिए प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा मशीन का। कैसे निकालेंगे देखो जी, तो पहले तो ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है मशीन का 50,000, लेस कर देंगे टोटल डेप्रिसिएशन, पहले साल 2,500 का, दूसरे साल 5,000 का, टोटल 7,500 का हो गया है डेप्रिसिएशन, मशीन का वैल्यू बचेगा 42,500 आज के रेट में। ठीक है, अब हम लोगों को डेप्रिसिएशन निकालना है, तो 42,500 पर डेप्रिसिएशन निकालना है 15%, एक साल ये पूरा मशीन यूज़ होगा तो एक साल का हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे 6,375। ठीक है, चलो मेथड हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू के लिए पहले हम लोगों को ये वैल्यू निकाल लेना होगा जो हमारा डिमिनिश्ड वैल्यू है, रिड्यूस्ड वैल्यू है, यानी आज के डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू है। तो ये मशीन था 50,000 का, एक बार डिप्रेशन लगा 2,500, फिर लगा 5,000, ये निकाल देंगे, बचेगा 42,500, 15% चार्ज करेंगे 6,375। आगे आइए, अब तीसरे मशीन की बारी है। देखो जी, तीसरा मशीन 25,000 का खरीदा गया है, लेकिन ये मशीन 2010 में खरीदा गया है तो 8 में तो नहीं चार्ज होगा, 9 में चार्ज नहीं होगा, 10 में चार्ज होगा 25,000 का 10%, और खरीदा गया है 1 जनवरी को तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा तो 2,500।
बात खत्म। चलो जी, तो सारा काम हम लोगों ने कर लिया, अब हम लोगों को बनाना है मशीनरी अकाउंट। चलो फटाफट से अपन मशीनरी अकाउंट करते हैं। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी 2008 को मशीन हम लोगों ने खरीदा है, तो करेंगे टू कैश अकाउंट, या फिर टू बैंक भी कर सकते हैं, टू कैश अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लेंगे M1, 1 लाख में मशीन खरीदा था, 2000 इस पर तुरंत हम लोगों ने इंस्टिक्ट खर्च किया था, 1,02,000 का मशीन बन गया था ये, 1,02,000। इसके बाद 1 जुलाई 2008 को हम लोगों ने दूसरा मशीन खरीदा है, तो फिर से अगेन टू कैश अकाउंट, और M2 हम लोग ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि पता चले मशीन ये अलग अलग है, 50,000 का। एक साल हम लोगों ने पूरा वेट किया, साल भर का अब हम लोग का डिप्सन चार्ज करना है, 31 दिसंबर 2008, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है, डेट पर आप ध्यान देंगे बच्चे, तो डिप्सन चार्ज करेंगे। मशीन का वैल्यू जब बढ़ता है तो डेबिट में, घटता है तो क्रेडिट में, है ना, ये रियल अकाउंट एक तरह का है। तो बाय डेप्रिशिएशन M1 का डिप्सन हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 10,200, M2 का डिप्सन कैलकुलेट किया था 2,500, है ना, 2,500 और 10,200, 10,200, 12,700 का डेप्रिसिएशन। सेम डे को बाय बैलेंस CD, इन मशीन का क्लोजिंग वैल्यू कितना है, तो M1 M2, देखो जी M1 जो है 1,02,000 का है, इधर आ जाओ, 1,02,000 का मशीन है, माइनस कर देंगे 10,200, वैल्यू बचेगा 91,800, इसका वैल्यू बचेगा 91,800, है ना, 1,02,000 में से 10,200 का डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो बचेगा 91,800। दूसरा है 50,000 वाला जो मशीन है M2, इसका डेप्रिसिएशन हुआ है 2,500, लेस कर देंगे 47,500 प्लस 47,500, 1,39,000, 300। चलो जी टोटल करेंगे तो एक ये हो जाएगा 152 और इधर का टोटल करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1,52,000 का टोटल इधर भी हो जाएगा। चलो जी टू बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कर लेंगे, M1 M2 का वैल्यू 91,800, 47,500, 139,300, डेट डालेंगे 1 जनवरी 2009। इस साल कुछ हम लोगों ने मशीन खरीदा भी नहीं है, बेचा भी नहीं है, तो फिर 31 दिसंबर 2009 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अरे यार ये नीचे किधर जा रहा है, फिर हम लोग करेंगे 31 दिसंबर 2009 को बाय डेप्रिसिएशन। M1 का कितना डेप्रिसिएशन, M2 का कितना डेप्रिसिएशन, अब देखो जी 90 तो डेप्रिसिएशन तो यही होना है 10,200 और 5,000, M2 का इतना ही होगा 15,200। सेम डे को हम लोग अब इसका बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस CD, कैरी डाउन करेंगे, देखो जी अब आपका 91,800 M1 का 91,800 माइनस करेंगे 10,200, वैल्यू बचेगा 81,800, 600 सही है।
इसके बाद दूसरा वाला जो मशीन है 47,500, उससे 5,000 घटा देंगे, ये हो जाएगा 42,500। तो ये हो जाएगा आपका 6, 5, 11 का एक, ये हो जाएगा 2 और 1, 3 और 1, 4, 1,24,100। तो 1,24,100 प्लस 15,200, 15,200 इक्वल टू 1,39,300, सही है जी, 1,39,300, 1,39,300। अब इनको हम लोग कर लेंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, एम वन का वैल्यू कितना, एम टू का वैल्यू कितना, तो 81,600 और 42,500, टोटल 124,100 इतना हो गया। इसके बाद अच्छा डेट डाल देते हैं, ये 1 जनवरी 2010, 2010 को जो है ना हम लोगों ने डिप्सन का मेथड चेंज किया है, डिप्सन का और M1 को जो है हम लोगों ने सेल किया है। देखिए M1 को हम लोग ये थर्ड ईयर का देख रहे हैं 2010 का, तो हम लोगों ने जो M1 है इसको हम लोगों ने सेल किया 40,000 में और 41,600 का लॉस हुआ, इसको हम लोग को शो करना है। M2 का डिप्रिसिएशन जो है 6,375 रुपया होगा, डिप्सन चेंज का सॉरी डिप्सन का मेथड चेंज का। अच्छा एक गड़बड़ी हो गया जी, देखिए 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 एक गड़बड़ी हो गया, सॉरी एक गड़बड़ी हो गया, थर्ड ईयर में तो डिप्सन का मेथड तो 15% है ना जी, सॉरी 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 आप इसको सही कर लेना जी, तो 15% करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3,750। अच्छा अभी पता चल गया, नहीं तो गड़बड़ी हो गया था फिर, तो 3,750 हो जाएगा जी, है ना। चलो आप यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये 15%, हाँ ये बाकी सब सही है। चलो तो थर्ड ईयर को क्या करना है, मशीन सेल करना है M1 को, कब करना है, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को ही, जब मशीन का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में, वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट में, सेल करेंगे वैल्यू घटेगा तो क्रेडिट में एंट्री करना है। कब करना है, 1 जनवरी 2010 को। पहले तो बाई मशीन अगर हम लोग सेल कर देंगे तो पैसा आ जाएगा, तो हम लोग एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट, है ना। M1 कितना में सेल करके पैसा आया है, 40,000 आया है। इस मशीन को सेल करने से लॉस भी हुआ था, सेम डेट को हम लोग एंट्री कर देंगे। प्रॉफिट होता है तो मशीन का वैल्यू बढ़ा डेबिट में, लॉस होता है तो मशीन का वैल्यू घटा तो क्रेडिट में, तो घटा लॉस हुआ है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट M1 को 41,600 है शायद, 41,600। चलो जी तो ये हो गया 41,600। अब देखो ध्यान से, देखो जी ये 81,600 का मशीन है ना, देखिए ये जो आपका 81,600 का जो मशीन है, यहां पर आप देखिए 40,000 में तो मशीन चला गया, बच्चा 41,600 यहां बचा, तो उतना तो लॉस हो गया, तो ये पूरा का पूरा हिसाब आपका मिल गया, ठीक है। चलो इसके बाद अब बात करेंगे हम लोग कि सेम डे को एक नया मशीन खरीदा गया है, तो पहले उसको बुला लें 1 जनवरी 2010 को टू कैश अकाउंट। M3 खरीदा गया है 25,000 में, चलो भैया अब हमारे पास 3 मशीन टोटल था, एक मशीन सेल किया, 2 मशीन बचे हैं हमारे पास, एक 50 वाला, एक 25 वाला बचा है। चलो अब हम लोग डिप्सन चार्ज करेंगे 31 दिसंबर 2010 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 तो चला गया, बचा है M2 का डेप्रिसिएशन, M3 का डिप्सन 6,350 है शायद, 6,375, 6,375, 6,375 का डेप्रिसिएशन और 3,750 का डेप्रिसिएशन।
टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 6, 3, 9 और 1, 10, 10,125 का टोटल डेप्रिसिएशन। अब इन मशीन का जो वैल्यू बचा रहेगा बाय बैलेंस सी डी, कैरी डाउन कर लेंगे उसको सी डी। एम वन चला गया है, एम टू बचा है, एम थ्री बचा है जी। हाँ देखो, एम वन तो चला गया, एम टू का वैल्यू आज के रेट में कितना होगा, तो 42,500 में से माइनस करना है 6,375, तो वैल्यू बचेगा हमारा 36,125। दूसरा वाला जो मशीन है 25,000 का, इसमें से 3,750 चला गया, 25,000 माइनस 3,750, वैल्यू बचेगा 21,250, 21,250, तो 21,250 प्लस 36,125 इक्वल टू 57,375 का वैल्यू बचा है। अब हम लोग टोटल कर लें, डेबिट का टोटल 1,24,100 प्लस 25,000, ये हो गया 149,100। चलो क्रेडिट में आते हैं, 40 और 41,600, तो ये हो जाएगा आपका 81,600 प्लस 10,125 प्लस 57,375 इक्वल टू 149,100, सही है जी, बिल्कुल 149,100। चलो टोटल इक्वल आ गया, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा, तो आज हम लोगों ने डेप्रिसिएशन का चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आज हम लोगों ने कर लिया, पहले एसएलएम और आरबीएम कर लिया, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग कोई डेप्रिसिएशन का नया मेथड करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड कर सकूं वीडियो इस चैनल पर, नए नए सब्जेक्ट का, नए नए टॉपिक पर, लेसन्स पर, चैप्टर्स पर। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।